तो क्या गाइस, इंडियन बैग ड्राइविंग 3D गेम के अंदर न्यू ओला स्कूटर आ चुका है, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और क्या है स्कूटर का चीट कोड नंबर, जानेंगे आज के सीक्रेट मिथ्स वाली वीडियो के अंदर। तो आप लोग बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बढ़ते हैं अपने पहले मिथ की तरफ। स्विमिंग पूल में मेगाराम को स्पॉन करो, देखना अपना टकला बिना बाइक के स्विमिंग लिस्ट कर पाएगा। तो अपने घर के सामने जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर हमने मेगाराम को कर लिया स्पॉन। अभी चलते है उसके अंदर और देखते है बिना बाइक के अपना टकला कर पाएगा स्विमिंग लिस्ट या फिर नहीं। यार ये चढ़ने में काफी ज्यादा टाइम लेता है और मुझे नहीं लगता कर पाएगा, लेकिन भाई साहब लिटरली भाई साहब अपना टकला तो देखो यार, स्विमिंग ग्लिच अपने आप ही कर रहा है, वो भी मेगाराम के ऊपर। एक काम करते हैं हम लोग नीचे जाकर देखते हैं यहाँ से जंप करेंगे। और क्या ही जंप मारी भाई इसने, भाई ये तो अपने घर के आजू बाजू यानी कि अपनी जमीन पर भी स्विमिंग कर पा रहे है। यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। और भाई क्या हाल है? कुछ नहीं भाई, बस मजे में स्विमिंग कर रहा हूँ। और स्विमिंग करने के लिए तुझे पुलिस स्टेशन ही मिला क्या? अरे नहीं नहीं वो स्विमिंग पूल के पैसे नहीं दिए ना, तो उन लोगों ने बाहर निकल दिया धक्के मार के। बड़ा हरामी हो बेटा। और दरोगा जी क्या हाल है? अबे वो सब छोड़, पहले मुझे ये बता तू यहाँ पर स्विमिंग कैसे कर पा रहा है, और वो भी बिना पानी के? अरे कुछ नहीं बस जलवा है हमारा। सीधे सीधे बताता है या लगाओ डंडे? अरे नहीं नहीं डंडे वंडे मत लगाओ, बता दूंगा। अगर ट्रिक जानना है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और कल वीडियो आ जाएगी देख लेना। अच्छा बेटा मुझसे चालाकी? हाँ वैसे चालाक तो मैं हूँ, ये लो गोलियां खाओ। वैसे यार इन सब बातों को साइड में रखते है, वैसे ये मिथ काफी बढ़िया था, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है भाई। मजा आया। अगर आप सूरज की शैडो में मोबाइल को निकालेंगे तो उसकी शैडो दिखेगी, मोबाइल की शैडो नहीं दिखेगी, सिर्फ उसकी आउटलाइन दिखेगी। अच्छा अगर ऐसी बात है तो अभी ट्राई करके देखते हैं। ये मैंने मोबाइल निकाला कैमरे एंगल चेंज करने के बाद, ये रहा नहीं जाता। और अभी देखते हैं हम लोग जूम करके, आप लोग ध्यान से देखना। ये मैंने किया जूम और सच में यार अपनी मोबाइल की शैडो नहीं दिख रही है, उसकी उंगलियों की शैडो दिख रही है हमारे कैरेक्टर की, बाकी फोन की शैडो दिख ही नहीं रही है। और अभी हम लोग करेंगे नॉर्मल वाला कैमरा एंगल ऐसा, और अभी हम लोग जूम करके देखते है। और इस बार देखो ध्यान से देखना, इस बार हमने अच्छे से जूम किया है और इस बार भी अपने फोन की शैडो दिख ही नहीं रही है, बस अपने कैरेक्टर की और उसकी उंगलियों की शैडो दिखती है। वैसे ये मिथ भी काफी बढ़िया था, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। कंस्ट्रक्शन साइट में जो कंटेनर है वहाँ पर घोस्ट का फेस है, प्लीज टेक माय मीट। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो हम लोग आ चुके हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, और ये क्या हो गया भाई हमारे कैरेक्टर को, अभी ये तो नीचे गिर गया, और हमारी बाइक तो देखो कितनी दूर जाकर गिरी, और भाई ये बुलेट तो देखो भाई ये तो हवा में अटक चुका है पोल पे भी, एकदम हॉरर दिख रहा है भाई, एकदम भूतिया। लेकिन यार अपनी बाइक तो देखो यार कितनी दूर जाकर गिरी। और गाइस ये हम लोग आ चुके हैं कंटेनर के पास, लेकिन यहाँ पर कोई भी घोस्ट फोटो, ओके ये कुछ दिख तो रहा है मुझे, लेकिन ये घोस्ट फोटो नहीं बोल सकते इसको हम लोग, मुझे लगता है इसी चीज की बात हुई है। लेकिन यार इसको घोस्ट फोटो हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर यार क्लियर फोटो भी नहीं दिख रही है। एक काम करते हैं हम लोग नाइट मोड लगा कर देखते हैं, ये देखो कुछ इस तरीके से। और बाइक का लाइट भी हम लोगों ने ऑन कर लिया है, लेकिन अभी भी ये वाली फेस हम लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग घोस्ट फोटो बोले कैसे यार, तो इसीलिए ये इमेज बस्टेड है। अगर हम मून ग्रेविटी लगाकर रैम पॉइंट स्पॉन करेंगे, फिर हॉर्स को स्पॉन करके रैम के ऊपर से रन कराते हो एंड फिर देखना मैजिक। ओके, तो सबसे पहले हम लगाएंगे मून ग्रेविटी जिसका चीट कोड नंबर है 7112। तो हम लोगों ने लगा ली है मून ग्रेविटी, अभी करते हैं रैम को स्पॉन। और रैम को स्पॉन करने के बाद अभी हम लोग को हॉर्स को स्पॉन करना पड़ेगा, तो 200 यानी कि 200 डायल करेंगे तो अपना हॉर्स भी आ जाएगा। इसको ले जाते हैं अभी रैम के पास, और ये तो रैम के ऊपर जा ही नहीं पा रहा, मुझे लगता है हम लोग को उतरना पड़ेगा और रैम के ऊपर जाकर हॉर्स को स्पॉन करना पड़ेगा। तो इस वाले रैम के ऊपर आने के बाद हमने हॉर्स को स्पॉन किया, अभी इसके ऊपर से इसको ले जाते हैं और देखते हैं क्या मैजिक होता है, चलो यार जल्दी जल्दी। और ये मैं इसको रैम के ऊपर से लेके गया और ये तो फ्लाई करने लगा, यानी कि हवा में चल रहा है भाई ये तो। ये क्या बात हुई यार, हॉर्स कैसे हवा में चल सकता है भाई, ये तो गजब ही हो गया। वैसे यार अपना हॉर्स नीचे भी काफी तेज चलता है और हवा में भी काफी तेज घूम रहा है ये देखो। और भाई ये तो हवा में भी अपनी टांगे ऊपर कर पा रहा है, और ये गाड़ी ने ठोक दिया तो ये सामने आकर गिर गया, गिरा तो नहीं लेकिन सामने जंप कर गया। वैसे ये मिथ भी काफी बढ़िया था, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना ऐसी मिस वाली वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको कोई मिथ पता है तो आप लोग कमेंट भी कर देना, ताकि अगली वीडियो में मैं उस मिथ को ले सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।